देख लो गाइस, फुल हैवी बोन है, पैर देख लो इनके और टेल देख लो। यहाँ से पता चलता है कि बच्चे की क्वालिटी कैसी है। आप बच्चा कितना भी अच्छा ले लो, जब तक वो, और हाँ इसको वही लेना जिसके पास खुली जगह है और इसको घुमा सके। सो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आई होप आप सभी एकदम ठीक ठाक होंगे, मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। तो गाइस, आज का सीन ऐसा है, मतलब आज टाइम हो रहा है अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैंने आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट करी है। उसका भी एक रीज़न है, बिकॉज आज मैं सुबह से बाहर था तो इस वजह से वीडियो स्टार्ट नहीं हो पाई। तो आज जो है ना, अपनी ज़ारा की जो डेट है ना, वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आते जा रही है। तो इस वजह से जो है ना, उसने मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उसके हल्की हल्की सी ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई है। और सुबह जो है ना, सुबह मतलब मैं जल्दी में था तो मैंने उसका अपना रूम खोल कर देखा। मैं दूसरे रूम में सोया था तो सारे में ब्लड ब्लड पड़ा था। तो पहले मैंने उसे साफ़ करा, पहले उसकी फ़ोटोज देख लो आप। ये पड़ा ब्लड, तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि ज़ारा का सारे में ब्लड ब्लड पड़ा था, थोड़े से उसमें ब्लड क्लॉट्स भी थे, मतलब थोड़े से टुकड़े से भी थे ब्लड के। तो इस वजह से वो तो सही है कि मेरा कोई परिवार का मेंबर वहाँ नहीं आया और उन्होंने नहीं देखा, लेकिन जो है मुझे इन सब की आदत है क्योंकि मैंने ज़ारा को पार्गो से, जब ज़ारा ने पार्गो में सर्वाइव करा था, उस टाइम उसके उससे भी ज़्यादा दुगना तिगना ब्लड निकलता था। तो इस वजह से दोस्तों मुझे ज़्यादा गिनविन नहीं आती, लेकिन मेरे परिवार वालों को आती है। तो इसलिए मैंने अपने रूम के अंदर थोड़ा सा चेंज कराया, वो मैं आपको घर के अंदर जाकर दिखाऊंगा। तो अभी जो है ना, मैं ज़ारा को सोच रहा हूँ कि मैं उसको नीचे लिटाऊं, तो उसके नीचे लिटाने के लिए हम थोड़े से पूले वगैरह लेने आए हैं खेतों में। तो अभी हम पूले लेने जाते हैं और फिर घर चलते हैं। तो फिर घर चलने के बाद आपको दिखाऊंगा मैं कि मैंने क्या चेंज कराया। तो आज एक जगह और जाना है, मतलब जर्मन शेफर्ड के बच्चे देखने के लिए जाना है। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो वो वीडियो को एंड तक देख के, क्योंकि वीडियो के अंदर ही मैं उनके लेने का तरीका बताऊंगा। और सच में वो इतने अच्छी क्वालिटी के हैं, अपने जोन के बच्चे हैं। जोन आपने देखा ही होगा, जब उसकी डेथ हुई थी तो यार कितना बुरा लगा था। लेकिन उसका जो है ना, ये लास्ट लीटर है जो, मतलब तो उसमें से एक बच्चा हम फिर से तैयार करेंगे, देखेंगे मतलब जो भी कुछ होगा। तो अगर आपको वे बच्चे लेने हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना पूरी, और मैं वीडियो के अंदर ही बताऊंगा कि कैसे लेने हैं। अगर आपने स्किप करा ना तो आप उन बच्चों को भी स्किप कर दोगे। अगर कोई भी उनमें इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को पूरा देखो। ये देख लो, बत्तख रेडी है एकदम जाने के लिए। तो अभी हम आगे तक आए थे और यहाँ से सनसेट का व्यू देख लो, कितना बढ़िया लगता है। एकदम नीचे हरियाली और ऊपर सनसेट हो रहा है। तो यहाँ हम आगे आए थे लेकिन हमें आगे नहीं मिला, हम दोबारा अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं, वहीं पर ही है तो वहीं से लेंगे। तो गाइस पहुँच गए हम घर पे पूले लेके, और देख लो हमारे घर पे कौन आया, ये देखो। ओए, इसे भी पाल लिया हमने, मजाक कर रहा मैं तो। ये पड़ोसी हो गया साइड में, सामने वालों की, तो इसे लेकर चलते हैं ऊपर। ओए, घुस गई गाड़ी के नीचे, भाग जा। तो गाइस ये रे, मैंने ये ला कर रख दिया ऊपर। और गाइस अपनी ज़ारा को देख लो कैसे सो रही है, मोटी। तो बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आकर दूंगा क्योंकि अभी जो है ना रात होने वाली है। फिर आपको पता है मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, वीडियो क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, तो इस वजह से मैं जल्दी से वीडियो शूट करता हूँ आगे की। तो जल्दी से मैं आगे चलता हूँ। तो गाइस पहुँच चुके हैं अभी हम यहाँ पर, देख लो कैसे बुला रहा बच्चे। अगर मैं अंदर जाऊँगा फीमेल तो भौंकने लगेगी, इस वजह से अंदर नहीं जा रहा। फिर वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज़ वगैरह आती है। अब वो अपने आप ही लेकर आएगा अंदर से उठा के। आगे लिया 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 ले आए ना, माँ के पास जा रहे हैं, भोगने लग गई भैया। लो जिस बात का डर था वही हो गया। गाइस क्वालिटी देख लो अपने आप। अरे देखो, दो ही बचे, मेल है फीमेल है, दोनों फीमेल है। तो ये सेल के लिए अवेलेबल है जिसको भी चाहिए। क्वालिटी देख लो अपने आप, वो बताना कमेंट करके। देखो दोनों फुल एक्टिव है एकदम, अभी अपनी माँ के पास से पहली बार अलग हुई है, इस वजह से थोड़ा मदर को नहीं लेकर आ रही, क्योंकि मदर थोड़ी सी अग्रेसिव है, क्योंकि मैं तो उसके लिए अननोन पर्सन ही हूँ, तो मुझे देखकर थोड़ा ऐसा कर रही है। देखो हाँ, देख लो गाइस फुल हैवी बोन है, पैर देख लो इनके और टेल देख लो, सबसे ज़्यादा जर्मन शेफर्ड में जो टेल में बिल्कुल लॉन्ग टेल है, एकदम बिल्कुल हैवी बोन है, देख लो।
फेस देख लो इनका, फेस का साइज। और बच्चों के ईयर जो है वो भी थोड़े दिन बाद खड़े होंगे, मतलब 10-15 दिन बाद। और मीडियम कोट है, सबसे बढ़िया कोट है जर्मन शेफर्ड के अंदर, मीडियम कोट। आप कोई भी रख सकता है उन्हें, वरना लॉन्ग कोट के तो बाल संभालते ही पागल हो जाओगे संभालते। समझ रहे हो आप? अब देखो उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, अब देख लो आप बच्चे कितने एक्टिव है एकदम। यहाँ से पता चलता है कि बच्चे की क्वालिटी कैसी है। आप बच्चा कितना भी अच्छा ले लो, जब तक वो एक्टिव नहीं है ना तो वो तब तक बेकार ही है। देखो मेरे पास आ गए बाबू, देख लो इतना क्यूट लग रहा है, मेरा जी कर रहा है एक को भी अपने साथ ले जाऊँ अपने घर पर। तो ये जा रहे हैं गाइज अपने घर पे, मतलब अंदर जा रहे हैं अपनी माँ के पास। फीमेल को ला नहीं रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, मतलब बच्चों के लिए। मतलब आपको पता ही है जब कोई फीमेल मतलब प्रेगनेंट वगैरह होती है, अपने जारा के साथ भी यही सेम प्रॉब्लम है, वो थोड़ी एग्रेसिव हो जाती है बच्चे देने के बाद, तो इसलिए वो थोड़ा एग्रेसिव पना दिखा दिया। और देखो तो गाइज अभी एक और फीमेल है जो सेल के लिए अवेलेबल है, देखो येरी पाकिस्तानी बुली, और बच्चा भी आ गया इसके साथ यार, पाकिस्तानी बुली। ईयर क्रॉपिंग सब डन है, जब हीट पड़ती है अब हीट पड़नी है। ये भी सेल के लिए अवेलेबल है, अगर कोई इसके इंटरेस्टेड है लेने के लिए तो कॉन्टैक्ट करना हमसे। तो गाइज देख लो अपने आप फीमेल की क्वालिटी, मतलब इसकी दो हीट आई थी, दोनों हीट हमने मिस करा दी, बिकॉज जो जिसके पास ये है मतलब जो मेरा दोस्त है वो इनकी केयर वगैरह ठीक से नहीं कर पा रहा है, उसके पास भी इतना टाइम नहीं है, तो इस वजह से मिस करा दी। तो और इसका जो मेन रीज़न है बेकने का वो यही है कि हम इसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और यार जब हम किसी को टाइम नहीं दे सकते तो उसका रखने का भी कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या पता हम जिसको सेल करें वो इससे हमसे ज़्यादा इसकी केयर कर पाए, तो इसलिए सेल कर रहे हैं बस। बाकी कोई और अदर इसमें कोई इतनी सी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी क्वालिटी आपके सामने है। अगर कोई भी इसमें इसे लेने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो के नीचे कमेंट वगैरह करना, और मैं भाई का नंबर डाल दूँगा, नंबर पर कॉल कर लेना। गाइस देख लो हंटिंग के लिए सबसे बेस्ट है ये, रहने दे वापसी नहीं आएगी फिर ये, वहाँ पर गिद्दड़ दे देखो कैसे एकदम इसके चार्ज हो गई बिल्कुल, टेल देख लो कितनी एकदम परफेक्ट हो गई। और हाँ इसको वही लेना जिसके पास खुली जगह है और इसको घुमा सके भाई, ऐसे वैसे घर वरों में रखने रखने के लिए नहीं है। देखो कैसे भाग रहे हैं वो उनके पीछे एकदम, बिल्कुल खतरनाक वाली अगर ऐसे सन दिखा रही थी। 2000 years later. So finally guys, मैं पहुंच चुका हूं घर पर, और घर पर पहुंचने देख लो चारा ने मतलब यार हालत खराब कर दी मेरी, रुक के दा रखे इतने खाने के मारे। तो पहले से खाना खिलाता हूं, फिर देन बाकी बात आपसे मैं बाद में करता हूं। देख लो दोस्तों देख लो, मैं आपसे बोलता हूं ना कि ये जो जा रहा है ना, जब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं ना एकदम चुप बैठ जा, और उससे पहले बहुत रुक कर आ रहा है वो, मतलब इसने सारा घर सिर पर उठा रखा, इसे खाना नहीं मिला ना आज। तो पहले मैं इसे खाना खिलाता हूँ, फिर मैं खाऊंगा, देन फिर मैं आपसे बात करूंगा। देखो खाई खाना है, खाई खाना एकदम। आज इसके नीचे जो मैं आपसे बता रहा था ना कि हमने कमरे में थोड़ा चेंज करा, तो दोनों जो सोफे थे उन पर लेटती थी वो, उसकी वजह से इसके ब्लीडिंग वगैरह हुई थी, तो वो दोनों हटा दिया उससे, और अब ये जो है ना नीचे लेटेगी कंटिन्यू। आप नीचे लेटोगे, मैं उंगली नहीं करता, इसे उंगली करना पसंद नहीं है, काट लेती है उंगली करती। तारा खाना खाएगी, देखो कितनी मासूम है यो, जब तक मासूम है जब तक ये वीडियो स्टार्ट है, उसके बाद फिर से रुक के ताने शुरू कर देगी। तो गाइस ये देख लो अपना जारा का खाना एकदम रेडी है, वो होटलों में करते हैं ना एकदम पता नहीं क्या बोलते इसको, प्लेट में सजा सजू के ऐसे दे रहे हैं जारा को, पर ऐसा खाएगी नहीं है, तो अच्छे से मिक्स करते हैं पहले देने से पहले। जारा खाई खाना, देखो खाना खाएगी अब, चट गंदी गंदी नो, देखो चाटा दिखाऊंगा, चल शांत हो, दे रहा हूँ। अगर किसी के पास इसकी फूड एग्रेशन का सोल्यूशन हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं फूड एग्रेशन कैसे स्टॉप करूं। तो हाँ जी दोस्तों, अब आते हैं काम की बात पर, मतलब आप उन पप्पीज को और उन फीमेल को कैसे खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर उस डॉग ओनर का नंबर है, मतलब अगर आप सीधा चाहो तो उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मेरे थ्रू वो खरीदने हैं या आपको थोड़ा बहुत उसमें डिस्काउंट चाहिए तो आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पर, वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैसेज करो मुझे, मैं आपको अच्छे से और थोड़े कम रेट में दिलवा सकता हूँ वही बच्चे, तो वो आप खुद देख लो। अगर आप डायरेक्ट बात करोगे तो थोड़े महंगे मिलेंगे, 100-500-1000 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे से बात कर मैं दिलाऊंगा तो वो थोड़े मंदे मिलेंगे। तो दोस्तों उन बच्चों की होम डिलीवरी अवेलेबल है, चाहे आप कहीं पर भी रहते हो, लद्दाख में क्यों ना हो, वहाँ पहुँचा देंगे बच्चे, और पॉसिबल होगा तो खुद ही देकर आएंगे। ठीक है दोस्तों,
आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को वीडियो को नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मैं भी बोरा हूँ। क्या गुंडा बनेगा रे तू। मिलते हैं कल आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों स्टे सेफ स्टे हैप्पी एंड आप सभी अपना ध्यान रखें।